राज ठाकरे ने महायुति को समर्थन जाहिर किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिस समय राज ठाकरे दिल्ली दरबार में गए उसी समय मराठी लोगों को पता था कि वह भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि बाघ इतनी जल्दी घास खाना शुरू कर देगा। ऐसा अल्फाजी प्रहार विजय वडेट्टीवार ने राज ठाकरे पर इस वक्त किया। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे राज्य की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आज जिस प्रकार से राज ठाकरे ने बिना शर्त समर्थन जाहिर किया उसके बाद वह पूरी कमर से झुके हैं, ऐसा टिप्पणास्त्र इस वक्त वडेट्टीवार ने राज ठाकरे पर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका सम्मान महाराष्ट्र की जनता करती थी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बिगुल फूका, वह अगर बकरी बनकर घास खाते हैं तो यह शोकांति का है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि राज ठाकरे यकीनन भाजपा की बेड़ियों में लिप्त रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो दिल्ली के दरबार में झुकने वाला नहीं था वो अपना सर झुका कर आया और आज तो उन्होंने बिनशर्त पाटिंबा देकर वो कमर से ही झुक गया है। मतलब आधा झुका था पूरा, अब पूरा झुक गया। देखिए, एक ऐसा एक लीडर जो महाराष्ट्र की जनता को जो चाहते थे, महाराष्ट्र की जनता जिनका आदर करती थी, और सत्ता के विरोध में एक दरखाड़ी शेर जैसा चलने वाला कल अगर बकरी बनकर घास खाता है तो महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं यही सोचूंगा, बताऊंगा कि जनता को राज ठाकरे बीजेपी का गुलाम की बेड़िया पहनकर कल नहीं दिखे तो महाराष्ट्र की जनता कम से कम खुश होगी। अगर वो बेड़िया बीजेपी की पहनकर वो चलेंगे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम के कोई नेता थे ये भी पूछने की मुसीबत आएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।